नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र का बेहद चर्चित हिल स्टेशन है। हरे भरे सुंदर जंगलों से घिरा ये शहर समुद्र तल से 1651 मीटर की ऊंचाई पर है। अल्मोड़ा की पहाड़ियों से पर्यटक हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का मनोरम नजारा देख सकते हैं। इस जगह की कई ऐसी खासियत है जिससे विश्व भर के पर्यटक इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ वैसे तो कई टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन आज हम आपको पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय के बारे में बताने जा रहे हैं। अल्मोड़ा में पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1979 में हुई थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय अल्मोड़ा शहर में माल रोड पर स्थित है। ये संग्रहालय उत्तराखंड के विकास में महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत के उल्लेखनीय प्रयासों का सम्मान करने के लिए बनाया गया था। ये अल्मोड़ा का एकमात्र संग्रहालय है और इसलिए ये एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण स्थल है। यहाँ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातत्व से संबंधित सामग्रियों का विशाल संकलन है। इस संग्रहालय में कत्यूरी और चंद्रवंश से संबंधित लेख भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक इस संग्रहालय में पीपल के पत्तों पर की गई प्राचीन चित्रकारी और कुमाऊं की प्राचीन कालीन वस्तुएं भी देख सकते हैं। ये संग्रहालय सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। इस समय सैलानी आकर इस संग्रहालय को देख सकते हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं को देखने और उनकी जानकारी के लिए हर साल देश विदेश के कई पर्यटक पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में पहुंचते हैं। संग्रहालय के बाहर से कई साल पहले यक्ष की प्रतिमा रखी गई है, लेकिन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अब यक्ष के अलावा अन्य कई प्रतिमाएं भी स्थापित कर दी गई हैं। राजकीय संग्रहालय में भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत के नाम से भी एक गैलरी है। इसमें उनके जीवन काल के बारे में बताया गया है। उनके द्वारा लिखे गए पत्र भी यहाँ रखे गए हैं। गैलरी में रखे प्राचीन सिक्के, ताम्रपत्र और पांडुलिपि आकर्षण का केंद्र है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।